दोस्तों थाट की इस सीरीज में तीसरे भाग में हम सीखेंगे थाट काफी काफी थाट के पहले हम बिलावल और खमाज सीख चुके हैं। बिलावल में सारे शुद्ध स्वर होते हैं, सारे गम पद निशा, खमाज में केवल एक कोमल नी होता है, और अब जब काफी सीखेंगे इसमें तो इसमें दो स्वर कोमल होंगे, एक होगा कोमल ग और दूसरा होगा कोमल नी। और इन सारे सीरीज में हम शुद्ध म का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये जो हम श्रेणी सीख रहे हैं दो श्रेणियों में है। पहली श्रेणी शुद्ध म की श्रेणी है, शुद्ध म की श्रेणी में हम तीसरा काफी थाट सीख रहे हैं। तो काफी थाट में कोमल ग और कोमल नी का प्रयोग होता है। मैं आपको फ्लूट पे बताऊंगा कोमल ग और कोमल नी। ये हमारा ये सा है, ये रे है। अब रे को जब हम थोड़ा सा खोलेंगे तो वो बजेगा कोमल ग, और पूरा खोल देंगे तो शुद्ध ग। अब सुनिए, रे कोमल ग और शुद्ध ग, ये रे है, या इसे इस ढंग से भी खोलेंगे और दूसरे तरह से इस तरह से, इस ढंग से भी खोल सकते हैं, इसको इस ढंग से भी खोल सकते हैं और इसको इस ढंग से भी खोल सकते हैं। तो ये कोमल ग का प्रैक्टिस हुआ। अभी कोमल नी किस ढंग से बजेगा? कोमल नी बजाने के लिए हम पहले ध बजाएंगे, ये प और ये ध, ध के बाद में कोमल नी और फिर नी आएगा। तो देखिए, या दूसरे तरह से इसको इस ढंग से उठा सकते हैं, इस ढंग से, प्रकार में से आप बजा सकते हैं कोमल ग और कोमल नी। तो आइए अभी सीखते हैं काफी थाट का आरोह। काफी थाट का आरोह होगा सारे ग म प ध नि सा, इसमें स्वर लगेंगे कोमल ग और कोमल नी, बाकी सब शुद्ध स्वर म शुद्ध। एक बार कोमल का होगा, कोमल नहीं होगा, ये हुआ आरोह। अब इसका अवरोह, अवरोह में पहले सा, उसके बाद में कोमल नहीं बजेगा, फिर धा बजेगा। काफी स्वर के आरोह और अवरोह के स्वर हुए। अब इन स्वरों में से कुछ स्वर पिक करके हम डिफरेंट डिफरेंट राग बनाते हैं। तो हम पहला राग सीखेंगे राग भीम पलासी का आरोह और अवरोह। तो भीम पलासी राग के स्वर होंगे नी सा ग म प नी सा, इसमें ग और नी कोमल होंगे, तो राग भीम पलासी का आरोह। कोमल नी, अब इसका अवरोह सा नी ध प म ग रे सा, जिसमें कोमल नी और ग कोमल होंगे। एक बार सा
शब्दों से आप परिचित हो गए हैं, अब हमें इसका सीखेंगे पकड़। पकड़ होगी इसकी नी सा म म ग प म ग म ग रे सा। फिर पहले की तरह इसमें ग और नी कोमल होंगे। नी हम शुरू करेंगे लोअर ऑक्टेव से। फिर से एक बार नी सा म म ग। इस तरह से भीम पलासी राग का आरोह अवरोह और पकड़ भी आप सीख चुके हैं। ये एकदम बेसिक ट्यूटोरियल है थाट और रागों के बारे में। इन सब का हम विस्तृत विवरण, इनका पूरा डिटेल्स आगे आने वाले ट्यूटोरियल में सीखेंगे और इसी तरह से क्लासिकल में हम आगे बढ़ते रहेंगे। इसके बाद काफी थाट का दूसरा राग है राग बागेश्री। तो राग बागेश्री शुरू करते हैं। राग बागेश्वरी का आरोह, इसका आरोह है सा नी ध नी सा म ग म ध नी सा। इसमें नी कोमल और ग कोमल होंगे। हम इसे स्टार्ट करेंगे लोअर कोमल नी से, मतलब ये कोमल नी यहां से स्टार्ट होगा। अब पहला स्वर बजेगा सा। इसका अवरोह है सानी ध मग मग रेसा। अवरोह में क्या होगा, हम जो सा बजाएंगे पहले वो अपर साइड का होगा, हायर ऑक्टेव का सा होगा। इस तरह से ये अवरोह बना। अभी हम इसका सीखेंगे पकड़। तो पकड़ दोस्तों इस तरह से सा नी ध सा म ध नी ध म ग रे सा। सा नी ध सा ये लोअर ऑक्टेव में जाएंगे। म ध नी ध म ग रे सा। एक बार पूरी पकड़ सुनते हैं। तो दोस्तों ये हुआ हमारा राग बागेश्वरी, जो कि काफी थाट पर आधारित था और काफी थाट से हम दो राग सीख चुके हैं, भीम पलासी और बागेश्वरी। तो इसके बाद चलते हैं हम चौथे थाट की तरफ। उसके पहले आप ये तीन थाट सीरीज के तैयार कर लीजिए, उसके बाद हम चौथा शुरू करेंगे।